है, किस तरह का गाना होने वाला है? देखिए गुजारा, जब हमने बनाना स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमारा दिमाग में एक कॉन्सेप्ट था आर्मी को लेकर के, हमारे डिफेंस फोर्सेस को लेकर के। तो ये गाना जो है ये भी डिफेंस फोर्सेस को लेकर के ही है। इसमें एंड में हमने यही दिखाया है कि हमारी जो ऑफिसर्स की और हमारे जो जवान्स की जो वाइफ होती हैं, आर्मी मेंस की जो वाइफ्स होती हैं, वो किस नज़रिए से रहती हैं और उनकी व्यथा क्या होती है जब वो बॉर्डर पे या अपने देश की किसी भी ड्यूटी पे जाते हैं, तो उनकी क्या व्यथा रहती है। तो जब गुजारा हमने स्टार्ट किया था तो सबसे पहली बात यही थी। ये गाने की शूटिंग हमारी 3 दिन में कंप्लीट हुई है, हमारे खपोली में हुई है, हमारे माथेरन में हुई है, मलाड में हुई है और कुछ कुछ लोकेशंस और हैं जहाँ पे हमने छोटे छोटे उसके वाइट्स लिए हैं। जैसे आपने कहा कि ये आर्मी के बैकग्राउंड का बनाया, आपने क्या रिसर्च करनी पड़ी, क्या उन फैमिली से आप मिले थे? देखिए ये इसमें मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा बिकॉज ये आर्मी का कॉन्सेप्ट है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम किसी पर्सनल लेवल से मिलती हैं कि यार ऐसा हुआ था हमारे साथ हमारे साथ, तो किसी का नाम तो नहीं लेंगे, बट हाँ मुझे कुछ जो आर्मी पर्सन्स थे उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा हुआ, हमारे कुछ आर्मी ऑफिसर्स के साथ ऐसा भी हुआ। तो जब ये सब सुनता था तो मुझे लगता था कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लोगों से सुन करके एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बन गया। बट हाँ ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली एक डेडिकेटेड किसी की तरफ जाता ही है, वो सबको जानते ही हैं, बट उनका मैं नाम रिवील नहीं करना चाहूँगा। देखिए बहुत मज़ेदार रहा, हमारे जो एक्टर हैं गाने में उन्होंने बहुत खूबी से बहुत ही अच्छी तरह से इसको निभाया है। हमारा जो मेरा छोटा भाई है करण, जिन्होंने म्यूज़िक किया है, लिरिक्स किए हैं और कंपोजिशन की है, ऊपर से हमें टी सीरीज़ ने बहुत सपोर्ट किया इस गाने को लेकर के, थैंक यू टी सीरीज़। ये जो गाना है आई थिंक आपने तो अभी तक सुना नहीं है बिकॉज अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, तो आपको बहुत पसंद आएगा, आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा जब आप एक गाना सुनेंगे कि एक आर्मी प्लस अ लव स्टोरी प्लस अ सैड स्टोरी कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग यू विल गेट इन दिस सॉन्ग। हाँ अच्छा आप सुन लिया, दो लाइनें हो जाए अगर आपकी आवाज में। बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट जरा कोई पानी देगा। एक वारी आ जा गल लग में रोला, तेरे सिराने सर रख मैं सोला, कोल बिठावा तैनू मनावा, हो जा तू राजी बस तैनू बोला, अज बिछड़े होया नू पूरा साल हो गया, रूह तड़पे ते बुरा हाल हो गया, नहीं ओ होना तेरे बिन गुजारा, ऐता मेरा रब जानदा तेरे पीछे मैं कमलिया होई, तू हाल मेरा सब जानदा, नहीं ओ होना तेरे बिन गुजारा। म्यूजिक जैसा आपने सुना होगा कि सबको बहुत पसंद आ रहा है जी, क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं अभी तो 2 ही घंटे हुए हैं लॉन्च होकर? कॉम्प्लीमेंट्स अभी तक बहुत अच्छे मिले हैं और इससे पहले भी जब मैंने लोगों को सुनाया है, यू नो बिफोर रिलीज मेरे कुछ पर्सनल फ्रेंड्स को, तो बहुत सारे लोग तो बीच में रोने ही लग गए, दे वर सो कनेक्टेड टू द सॉन्ग, तो अच्छा लगता है सब जब अप्रिशिएट करते हैं। तो कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्या रिसर्च किया था आपने गानों को लेकर और कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका पूरे गाने का?
देखो बहुत लंबा स्ट्रगल है, मैं 2012 से कंटिन्यूस म्यूज़िक बना रहा हूँ, लोगों को सुना रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा था, तो फाइनली ये हुआ। इसके लिए इसके पीछे ये कहानी है कि मैं मर्चेंट नेवी में हूँ बेसिकली, तो आई वर्क विद अ कंपनी कॉल्ड फ्लीट मैनेजमेंट, हांगकॉन्ग बेस्ड कंपनी है, तो वो लोग दे मेक मी सेल उनके शिप्स पे। तो ये गाना मैंने अटलांटिक ओशन में बनाया था, तो वहाँ पे क्या है, सुकून है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, रिक्शा का आवाज़ नहीं है, तो एक आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो यू नो वो एक ऐसी जगह है जिधर तुम अपने आप को टाइम दे सकते हो, तो वहाँ पे फ्री माइंड है, सोचने के लिए बहुत वक्त है, और वही मैंने यूटिलाइज़ किया और गाने को बनाया मैंने। कैसा एक्सपीरियंस रहा? इसका कंपोजिंग भी आपने किया है और इसके लिरिक्स भी आपने? जी कंपोज भी मैंने किया है। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? देखो हमारे दादाजी भी ऐसे थोड़े छोटे मोटे म्यूजिशियन ही थे, तो बचपन से ही कीड़ा था म्यूज़िक का, और प्लस मैं मुंबई आ गया था बहुत पहले, तो इन्हीं सब लोगों में मैं पला पड़ा म्यूज़िक वाले में, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आता गया धीरे धीरे। एंड इन 2011 और 12 मुझे लगा कि नहीं यार मुझे म्यूज़िक में जाना चाहिए, तो आई एंटर्ड, स्लोली सीखता गया, यूट्यूब ने बहुत हेल्प की, हमें सेल्फ लर्नर, किसी ने सिखाया नहीं मुझे, तो जो है खुद से ही है, और सीखता गया और आज ये दिन आ गया कि टी सीरीज से गाना, मेरा फर्स्ट गाना रिलीज़ हो रहा है। क्या Thank you so much. Okay, so Guzara is basically a music video. It's based on the life of a military man, of a RAW person who works for RAW. And the character I'm playing is the wife of the guy who works for RAW. So I'm gonna say like ये जो song है ये बहुत ही soulful, बहुत ही musical and बहुत ही touchy है. I think it's very touchy for all the audience, for all the soldier people out there जो भी देश के लिए काम करते हैं, अपना life देते हैं literally. तो या लाइक लाइफ कैसे गुजरते हैं फैमिली की, उन लोगों के लाइक उन लोगों की फैमिली जो होते हैं उनके लाइफ कैसे गुजरते हैं, इट्स ऑल अबाउट दैट. तो दैट्स गुजारा. ओके, प्रिपरेशन कुछ खास नहीं था. आई वॉज जस्ट टोल्ड टू लाइक तुम ये समझो तुम्हारा हस्बैंड लाइक रॉ में है, तो तुम्हें कैसे बिहेव करना चाहिए, लाइक यू नो के आई हैव टू सेक्रीफाइस लाइक माई पर्सनल लाइफ फॉर माई हस्बैंड, फॉर द कंट्री. सो या दैट्स इट. That was amazing, amazing team, amazing people, Varmila, amazing singer, and the lyrics, composing, brilliant. Any upcoming projects you'd like to share? Yeah, I'm working for an Amazon Prime web series called Nasha. Yeah, the second lead, and many more.